अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अलमंगल चल ही रहा होता है कि तभी लग जाती है हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट। अब 12th के बाद तुम्हारे मार्क्स सिर्फ कॉलेज में एडमिशन के लिए नहीं बल्कि हॉस्टल में एक रूम पाने के लिए भी लगते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे हॉस्टल अलॉट नहीं होता है। तो क्या अपना बोरिया बिस्तर बांध लेता हूँ, पर यार इस रूम को छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा था। पर इन सबके चेहरे की खुशी देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे बी की डिग्री ही लेके जा रहे हो। अब नए वाले हॉस्टल में सामान रखने के बाद मन में एक ही ख्याल आता है कि अगली बार लिस्ट में सबसे ऊपर हमारा ही नाम होना चाहिए। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी तो चुनौतियों से भरी पड़ी हुई है, हमें इन्हें बस एक स्माइल के साथ फेस करना है।